प्रबंधन के अभाव के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई थी और विकास की गति में कमी आई थी, जिसे इस नई सरकार को विकास आगे लाना होगा, आगे बढ़ाना होगा और वित्तीय संसाधन जो है हम लोगों को जुटाकर देश पर तौर पर देश में अपने विकास को आगे बढ़ाने की बात रखेंगे। प्रदेश में सत्ता संभालते ही वृद्ध जनों की जो 70 साल की उम्र वाले जनों को भी जो है पेंशन के लिए जो है पात्र माना गया है, जो पूर्व में 80 वर्ष की पात्रता थी उसको 70 वर्ष की गई, जिसमें 3 लाख से ज्यादा हमारे वृद्ध जनों को इसमें फायदा मिलेगा, उनको पेंशन लगेगी। इसी तरीके से सत्ता संभालते ही कर्मचारियों को जुलाई 2017 से 3% महंगाई भत्ते की बात माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कही, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिला। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 8% अंतरिम राहत का ऐलान किया है, जो जनवरी 2016 से तय होगी और राज्य सरकार जो है 70 करोड़ रूपया को उस पर खर्च करेगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि पूर्व सरकार के समय में सशस्त्र बल और पूर्व सैनिक कोटे के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ से वंचित रखा गया था। नई सरकार आते ही मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने सशस्त्र बल और पूर्व सैनिक कोटे के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने का जो है निर्णय जो है वो प्रदान किया है। इससे हमारे पूर्व सैनिकों को इससे फायदा मिलेगा। इसी के साथ आज इस मंच से मैं ये कहना चाहूंगी, जहां प्रधानमंत्री जी ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात सुनिश्चित करके जो है हमारे जो सैनिकों को अर्धसैनिकों सभी को जो है इसमें कई तरह की सहूलियतें दी, वही सशस्त्र सैनिकों को जो रिटायर्ड हमारे आर्मी से थे उनको 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिला, जो सदियों से ही